राम राम सभी ने। आज की वीडियो जो है नारायण सरकार साकार हरि के बारे में होगी। आजकल जो है विवादों में फंसते हुए जो है नज़र आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश की हाथरस में जो भगदड़ मच गई है, जिसमें कई लोगों की जो है मौत हो गई। यह भगदड़ नारायण साकार हरि के संग में हुई, जिसके चलते वो विवादों में आ गए। नारायण सरकार हरि के सत्संग में भीड़ मचने से वे खासी विवादों में आ गए हैं। उनका सत्संग हाथरस के फुलरई गांव में आयोजित किया गया था। ये जगह काफ़ी छोटी थी, यहाँ लोगों की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। ऐसे में भीड़ अनियंत्रित हो गई और भगदड़ मच गई, जिसमें 100 से भी ज़्यादा लोग जो हैं की डेथ हो गई। तो बाबा नारायण साकार हरि खासा विवाद में फंस गए। हालांकि ये पहली बार नहीं हुआ जब किसी बाबा पर विवाद बन पाओ। तो चलिए जो जानते हैं नारायण साकार हरि के बारे में। इन दिनों सुर्खियों में रहते हैं, उनका विवादों से गहरा नाता है। उन्हीं में से एक जो बाबा बागेश्वर धाम भी हैं, जिनका नाम जो धीरेन्द्र शास्त्री है। इसके अलावा सत्य साई हैं, निर्मल बाबा हैं, राम रहीम हैं, राधे माँ हैं। नारायण साकार हरि जो है 17 साल तक जो है यूपी पुलिस में नौकरी भी कर चुके हैं, और VRS लेकर जो अपनी पत्नी के साथ जो सत्संग करने लगे थे। हालांकि जो है अभी ये मामला जो है हुआ है, इससे पहले जो है ऐसा मामला कभी सुनने में जो है दिखाई नहीं दिया था। अभी जो पुलिस ने जो मामला दर्ज भी कर लिया है, आगे देखते हैं जो क्या होता है। नारायण साकार हरि का नाम जो सूरजमल है, इनको जो नारायण साकार हरि के नाम से जो है जाना जाता है। और ये जो अपना सत्संग करते हैं, जिसमें जो है लाखों में भीड़ आती है,